हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम अब पॉलिटिकल डिबेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं तमाम पार्टी प्रवक्ता से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आएं। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी हैं। रेणु जी प्लीज आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कांग्रेस से हमारे साथ पारस शर्मा जी हैं, सॉरी पराग शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से उमेश भाटी जी, प्लीज आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ हैं, साथ ही साथ युवा नेता चौधरी प्रदीप कुमार, आप सभी स्टेज पर अपना स्थान लीजिए। जब तक ये सेटल होते हैं तब तक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी एमएएफ प्रेसिडेंट अजय जुनेजा जी से, साथ ही साथ एसके गोयल जी से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टार वर्ल्ड लिमिटेड के, बहुत स्वागत। मैं अजय जुनेजा जी सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि आज यहां पे फरीदाबाद के तमाम नागरिक मौजूद हैं, ना सिर्फ राजनेता यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम हस्तियां यहां पर पहुंच रही हैं शहीदों को सलाम करने के लिए, उनकी शहादत को सलाम करने के लिए। आज देश में जो कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपको क्या लग रहा है, ये काफी है, पाकिस्तान अब बाज आ जाएगा? हिंदुस्तान ने आज से पिछले 70 सालों से आज तक शहीदी दी है और मैं चाहूँगा कि अब शहीदी देने का समय नहीं रहा, कि हम लोग जब से पाकिस्तान बना है तब से शहीदी देना शुरू हुए, फिर 1965 की वॉर, 71 की वॉर, 99 की वॉर, और वॉर में हमने अपने अच्छे अच्छे शहीद, अपने अपने अच्छे जवानों को शहीदी देते हुए देखा है। अब समय आ चुका है कि हिंदुस्तान के इसको एक्शन लेने का टाइम आ चुका है कि हम लोग एक्शन लें, और इसके इस तरीके का एक्शन लिया जाए कि इसको बिल्कुल सफाई कर दी जाए, या तो कश्मीर वाली जो बात आ रही है कि कश्मीर को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, या पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान तो है ही, उसको हिंदुस्तान का पार्ट है तो हिंदुस्तान का पार्ट बनाने की इनको एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान से एक बार पूरे तरीके से युद्ध करके इनसे अपना वापस हिस्सा लेना चाहिए। जो 370 धारा है उसको हटा देनी चाहिए इसके अंदर, ताकि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ पर अपने देश में, अपने ही देश के अंदर जाने के लिए इतना सोचना पड़ता है, उनको वहाँ जाके ऐसा लग कहा जाता है कि आप अपने हिंदुस्तान से आए हैं, हमारे कश्मीर में आए हैं, ये हमारा कश्मीर नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का कश्मीर हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए, पाकिस्तान का इसमें कुछ नहीं है, तो इसको पाकिस्तान की तरह नहीं जाए, इसमें जितने एक्शन लिए जाए उतने कम है। जब तक हम इसको वापस अपने कश्मीर को अपने पास नहीं लेते तब तक इसके ऊपर स्ट्रांग से स्ट्रांग एक्शन लेने चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। मैं एसके गोयल जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले उन सबसे मैं एक शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि हम तमाम देश के नागरिक की बात करते हैं, देश के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने चाहिए, तमाम हमारे देश के सैनिक तमाम उन चीजों से लैस होने चाहिए कि वो दुश्मन की नाक में दम कर दें और ये बता दें कि भारतीय सेना कैसे तुम्हारे छक्के छुड़ा सकती है। आपके पास भी आऊंगे क्योंकि आप तमाम सेना के जवानों को वो चीज मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले रेणु भाटिया जी आपसे कार्यक्रम के इस पड़ाव में मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आज पुलवामा आतंकी हमले के बाद जो माहौल देश में आप देख रही हैं, जो शहादत आपने देखी, जो शहादत पूरे देश ने देखी, सरकार ने जो एक्शन लिए, आपको लगता है काफी है या अब जो देश के नागरिक आवाज उठा रहे हैं 370 धारा हटनी चाहिए, क्या वो भी सरकार जल्द तमाम लोगों की ख्वाहिश को पूरा करेगी? इतने कड़े एक्शन ले लिए, क्या ये भी जल्द होने जा रहा है? हेलो, सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक शाम शहीदों के नाम ये बहुत अच्छा एक मौका फरीदाबाद के लोगों को भी दिया कि वो आज इसमें शामिल हो सकें और अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। और प्रतिमा, ये डिबेट तो पॉलिटिकल है डेफिनेटली, लेकिन इस डिबेट को मैं शुरुआत थोड़ा सा अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दो लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगी ताकि हमारा माहौल राजनीतिक रंग ना लेकर एक राजनीतिक आज रंग लेना भी नहीं चाहिए इस कार्यक्रम, तो इसीलिए मैं दो शब्द दो लाइनें जरूर दूंगी। मुझे थोड़ा सा म्यूजिक चाहिए अगर आप दे सके तो। चलिए कोई नहीं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन।
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए, भारत माता की, एक बार जोश के साथ भारत माता की। यस, वंदे वंदे वंदे। ये जोश जो आप लोगों के बीच में है, ये जोश नहीं है, ये ऐसा होश है जो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा देगा। आज जो प्रतिमा ने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या हमारी, जो पाकिस्तान की सेना ने हमारी सेना को इस तरह से शहीद किया है, क्या उसका जवाब हम धारा 370 से या बाकी बातों से देंगे? मेरे भाई गोपाल शर्मा ने बहुत सारी बातें उस वक्तत्व में बताई, और मुझे लगता है आज हम शहीदों की बात करें कि हम पाकिस्तान को वो रास्ता ही नहीं देंगे अब जिससे वो हमारे शहीदों की शहादत दे सके। और हम सबको एकजुट होकर, हम सभी पार्टियों को एकजुट होकर, हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर एक ही ललकार में बोलना चाहिए कि हम भारत माता के सपूत हैं और एक एक इंच जमीन हमारी है, एक चप्पा चप्पा कश्मीर का हमारा है। जिस पाकिस्तानी ने भी अब आंख उठाकर देखी, उस पाकिस्तानी को जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। आपने देखा हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने एक ही बात करी कि जो भी अब पाकिस्तान की तरफ से यहां पर पहुंचेगा उसको वापस जिंदा जाने नहीं दिया जाएगा। और इस जोश के लिए हमारी जनता का होना बहुत जरूरी है, हमारे देशवासियों का इसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। यही मोदी जी की एक ललकार है, और इस ललकार को आप बहुत जल्द देखेंगे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटा सा नमूना देखा था, ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। पाकिस्तान दोबारा बात करने के लायक नहीं रहेगा, ये मैं इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी। आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले कभी भी सेना को अगर कुछ करना होता था तो वो दिल्ली का रुख देखते थे, दिल्ली की तरफ उनका मुंह होता था कि कहीं से हमारे को कोई निर्देश आए। परंतु आपने प्रधानमंत्री जी को पहले ही दिन सुना कि हमने एक बैठक की है और उसमें हमने आर्मी को किस वक्त, किस जगह, किस समय, कैसे तरीके से क्या करना है, इसकी पूरी आजादी दी। तो प्रतिमा, ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय लिया है, सेना को सम्मान दिया है, सेना को जो आजादी दी है। और मेरे सभी सैनिक भाई, ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, कर्नल साहब का अभी आपने गीत सुना। और बहुत बड़ी बात जो मुझे गर्व देती है वो ये कि मैं स्वयं एक आर्मी डॉटर हूँ, आर्मी सिस्टर हूँ, आर्मी साली हूँ, तो पूरा परिवार जो है हर तरह से मेरे साथ आर्मी का जुड़ा हुआ है। और कश्मीर की बेटी हूँ, कश्मीर की रहने वाली हूँ, कश्मीर में जो खून खराबा हुआ वो मैंने देखा है, मैंने अपने बचपन में भी सबको सुना देखा। अपने भाई को आर्मी में, जब लद्दाख में उनकी ड्यूटी थी, ब्रिगेडियर साहब जानते हैं वहां की बर्फ को, आज भी मेरे भाई के दोनों पैर लद्दाख की उस बर्फ में खड़े होने की वजह से, ड्यूटी की वजह से खराब है, और वो दिल्ली इस समय रहते हैं कैंट के पास। तो मैंने भी आर्मी को बहुत करीब से देखा और मैं जानती हूँ आज आर्मी को आजादी कैसे चाहिए, क्योंकि आर्मी एक ऐसा हमारा देश का ऐसा एक विचित्र हिस्सा है, एक ऐसी सेना है जिसको अगर आप उनकी हुकूमत पर, उनकी मर्जी पर छोड़ दें तो वो क्या करके दिखा देंगे। और सरकार ने छोड़ भी दिया है। अब पराग शर्मा जी, जो डिसीजंस लिए गए उसके बाद कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, जो मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी चंद पंक्तियों से, जो आज हमारे बीच में शहादत हुई है हमारे देश में, बंद सहारा बेसहारों के लिए, बंद किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। हमारे फरीदाबाद के शहीद जवान, शहीद मेरे भाई संदीप कालीरमन जी, आज मैं उनके घर गई थी तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे नेता किसी अभिनेता से कम नहीं होते। कुछ नेताओं के बारे में मैं ऐसा कह रही हूं क्योंकि मैंने अभी महसूस किया कि हरियाणा न्यूज यहाँ पे प्रोग्राम करता है और यहाँ पे विभिन्न पार्टीज के चीफ गेस्ट आते हैं, इतनी शिद्दत से ये प्रोग्राम होता है और वो दीप प्रज्वलित करके चले जाते हैं। क्या हमारे ये फौजी या हमारे सैनिक उनका दीप प्रज्वलित होते हुए देखने आए थे?
नहीं, वो नेता इस सेना के सम्मान में आए थे। और अब मैं बात करूंगी जो अब नीति की बात ना करें पायल शर्मा जी की, आप राज ये तो गैर पॉलिटिकल डिबेट है, ये डिबेट पॉलिटिकल हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, तमाम लोग बोल चुके हैं, जैसा मेरी बड़ी बहन रेणु भाटिया जी ने बोला, आज पूरा ऑपोजिशन पूरा पक्ष विपक्ष यूनाइटेड है और इस बात के लिए यूनाइटेड है कि हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, बिना किसी राजनीति के देना है। और इस बात के लिए भी मैं राजी हूँ कि मैं खुद एक फौजी की पत्नी हूँ, मैं उसमें वो बात रखती हूँ जो एक हाथी का पैर होता है, वो हर तरीके से हम फौजी पत्नियां अपने पति को वो इज्जत वो सम्मान वो हौसला दे रही हैं कि आप जाओ और सरहद पर लड़कर इन पाकिस्तानियों की छाती पर आप लोग भारत माता के ध्वज को लगा कर आओ। जज्बात मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन उमेश भाटी जी, आज जो हम इस पूरे देश में जज्बात देख रहे हैं, हम यहाँ संदीप के परिवार वालों की भी बात कर ली जाए, क्योंकि फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क में इस वक्त हैं, मेरे बिल्कुल सामने आप लोगों के बिल्कुल पीछे देश का तिरंगा झंडा है और ये नजारा भव्य है, बेहद खूबसूरत है। और इसी झंडे की आन बान शान के लिए हमारे सैनिक, हमारे तमाम जवान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आज आप क्या देखते हैं, क्या जरूरत है इस वक्त देश की? प्रतिभा जी, आज मैं हरियाणा न्यूज के ये जो प्रोग्राम आज आप लोगों ने रखा है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, मैं जितने भी हमारे पुलवामा में या उससे पहले जो शहीद हुए हैं, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी के कान तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मोदी जी ने कहा था अगर एक सैनिक मरेगा तो 10 सर काट के लेकर आएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिक इतने ताकतवर हैं, आप छूट तो दीजिए, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अगर छूट दे दी तो पूरा पाकिस्तान को काट के आपके सामने रख देंगे। इतनी ताकत हमारे सैनिकों के अंदर है, 488 शहादत करवा चुके हैं 5 साल में, लेकिन कितनी छूट मिली है ये सबके सामने है। कश्मीर में ढूंढ ढूंढ के आतंकवादी लाइए, अरे आतंकवादियों से बात नहीं बनेगी, अब पाकिस्तान लाना पड़ेगा हमें, अब पाकिस्तान का सर काटना पड़ेगा, पाकिस्तान का सर कटेगा तो कश्मीर में आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आज जरूरत है, ये जो शहादत हुई है, इस शहादत से एक जरूरत बन गई है कि हम इस पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अरे पानी बंद करने से, लैट्रिन के दरवाजे बंद करने से ये काम नहीं आने वाला, अब सिर्फ और सिर्फ गोली की बात सुनेगी, क्योंकि बोली की बात चलने वाली नहीं है, अब सिर्फ गोली की बात चलने वाली है। मोदी जी, हमें इन 40 जो हमारे शहादत हुए हैं और इससे पहले जितने शहीद हुए हैं, हम उनके लिए पूरे पाकिस्तान का सर चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम इसमें सक्षम है, हम ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमजोरी है, हम इसके अंदर सक्षम है, और सक्षम है तो क्यों नहीं कर सकते हैं। आज ये राजनीतिक बहस नहीं है, लेकिन हम सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी है आज यहाँ पर सब एक है और एक होकर एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरविंद भारद्वाज जी, आपकी युवाओं की पार्टी है, क्या सोच है, क्या आपको भी सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, देश के तमाम युवाओं को सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि उससे कम में बात नहीं बनेगी? प्रतिमा जी, पहले तो बचपन में पढ़ी हुई एक कविता की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, नींद कहां उन आंखों में जो धुनके मतवाले हैं, नींद कहां उन आंखों में जो धुनके मतवाले हैं, गति की तिरछा और बढ़ती जब पड़ते पांव में छाले हैं। तो हमारे फौजी भाइयों के संघर्ष की जितना भी हम बखान करें उतना कम है, क्योंकि जिन हालातों में रहकर, चाहे वो 45-47 डिग्री का राजस्थान का की तपती हुई जमीन हो, या फिर जम्मू कश्मीर का वो बर्फीला बॉर्डर हो जहां इंसान रह नहीं सकता, वहां वो फौजी खड़े होकर हमारी सीमा की चौकीदारी करते हैं, हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, तो हमें सबसे पहले उन फौजी भाइयों को, उन शहीदों को, उन अपने देश के नौजवानों को जो हमारी सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, उन सबको याद करना चाहिए और श्रद्धांजलि देनी चाहिए। प्रतिमा जी, आज की जो ये समस्या है, जिस तरह से पुलवामा का जो अटैक हुआ, या आए दिन उसके बाद और भी कई इसी तरह के अटैक हुए, पहले भी हुए, और उनसे हमारे बहुत से नौजवानों की शहादत हमें देखनी पड़ी,
मैं क्योंकि अभी दो दिन पहले अटाली में जो हमारा जो भाई संदीप की जो बॉडी जब लाई गई वहां का जो माहौल था, कई घंटे में वहां रहा और वो जो माहौल मैंने देखा, लोगों को देखा, उसके परिवार के लोगों को देखा, तो प्रतिमा जी एक बात बड़े देर तक मैं सोचता रहा कि जब माँ बाप अपने जब बच्चा उनके घर में कोई पैदा होता है छोटे से लेकर बड़े तक अगर जुखाम खांसी भी हो जाए तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। कहीं छोटा सा चोट भी लग जाए, कहीं थोड़ा सा खून भी निकल जाए तो माँ बाप की जान निकल जाती है। सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी, सोचो उस बाप पर क्या बीती होगी जिसके सामने उसका जवान बेटा इस तरह से लाया गया। सोचो उस माँ बाप पर, उस भाई बहन पर, उस पड़ोसी पर, उनके बच्चों पर, उसकी बीवी पर क्या बीती होगी। खास तौर पर पुलवामा अटैक में जो हुआ था, जिस तरह से आईडी ब्लास्ट जो किया गया, हमने ये सुना कितने तो हमारे शहीद भाई, हमारे नौजवान, हमारे सैनिक भाई ऐसे थे जिनके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले। सोचो उस माँ को जब वो जो इस तरह से इस रूप में जब पहुंचे होंगे तो उस माँ के छाती पर, उस माँ के कलेजे पर क्या बीती होगी कि जिसको अपने बच्चे के एक छोटी सी चोट जो बर्दाश्त ना कर सके और आज अपना बच्चा उसके आगे टुकड़े टुकड़ों में आज अपना बच्चा उसके सामने आया हो। तो उस एहसास को महसूस करना इस देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक उन शहीदों का बलिदान की कीमत हमारी नजर में नहीं होगी हम उसका सही आंकलन नहीं कर सकते, हम उनकी सही कदर नहीं। प्रतिमा जी एक लाइन और मैं कहना चाहूंगा इस समस्या के लिए जो आपने सवाल किया था। मैं ये मानता हूं पाकिस्तान से तो बदला लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बात साइज है, परंतु उससे भी जरूरी एक और चीज है। सबसे पहले हमें उनसे निपटना होगा जो इस देश में रहकर, इस देश की धरती से, इस देश का अन्न खाकर, इस देश का पानी पीकर हमसे गद्दारी करते हैं। सबसे पहले 370 लगाकर जम्मू कश्मीर के उन गद्दारों से निपटना होगा। और एक हरिओम पवार की एक पंक्ति है वो भी मुझे याद आती है, आदेश समाधो सेना को घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। तो प्रतिमा जी इसका एक समाधान है, पहले हमें उन चेचंदों से निपटना होगा, उन विभीषणों से निपटना होगा जो इस देश में रहकर इस देश से गद्दारी करते हैं। वाकई और इसकी बेहद जरूरत थी और उसके बाद हमने देखा सरकार एक के बाद एक तमाम एक्शन ले रही है, लेकिन इतनी शहादत होने के बाद, इतने आक्रोश के बाद, तमाम देश के परिवारों की तकलीफें वो शायद हम लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। वो माँ भले ही अपने आंसू छिपा ले उस गर्व में, लेकिन हम आज तमाम देशवासी ये महसूस कर रहे हैं। प्रदीप जी आज आप खास तौर पे युवा हैं और आज देश के युवा जिस तरीके से आगे आकर साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लेना हो, अगर कुछ भी करना हो और उसमें देश के युवा किसी भी तरह सहयोग कर सकते हो तो वो उसके लिए तैयार हैं। आप क्या जज्बा देख रहे हैं आज? प्यार वतन को करने वाले प्यार वतन का पाते हैं, जय जयकार उन्हीं की होती जो वतन पे जान लुटाते हैं, जो वतन पे जान लुटाते हैं अजर अमर हो जाते हैं। हम सब भारतवासी उन वीरों को झुक झुक शीश नवाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस आखिरी यही निशा होगा। मैं सभी से आशा करूंगा और एक निवेदन करूंगा एक छोटे भाई की तरह कि पहले तो हम किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले उन अपने शहीद भाइयों को दो मिनट की श्रद्धांजलि तो दे दें मौन की। क्या आप देंगे? शांति, धन्यवाद, दिल से आभार। अब बात करेंगे युवाओं की। युवा ये जो चीजें आज यहाँ शहादत दिवस, शहादत की शाम मनाई जा रही है ना, यहाँ किसी
पॉलिटिकल पार्टी या कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है आज हम सब एक होके एक मंच पे एक बात कर रहे हैं कि देश में एकता लेके पाकिस्तान को खत्म कर दो या उसका शरीर सिर सब ले आओ। ठीक बात है, युवा भी तैयार हैं, युवाओं में इतना जोश है, मोदी जी सारा दे ना दे वो चुपचाप भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जैसे मेरे सीनियर हमारे ऑफिसर मिस्टर चड्डा सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि कहीं ना कहीं हम ही लोग तो जिम्मेदार हैं इन सबको रोकने में 55 70 80 सालों से, फिर आज क्यों हम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 80 साल बाद। पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, मैं तो ये मानता हूं। पाकिस्तान को पैदा मैंने किया, हमने किया, और आज पाकिस्तान को खत्म भी हम करें, इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत है। दूसरी बात, युवा, अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं अपने समस्त युवा भाइयों की तरफ से, ना हरियाणा ना दिल्ली ना पंजाब, पूरे इंडिया की तरफ से, कि पहले घर की लड़ाई तो दूर करो, पहले अंदर की लड़ाई दूर कर लो, जब हम देश और देश से लड़ेंगे ना। आज युवा परेशान है देश का। अच्छा, ये किसी को नहीं दिखा होगा आज तक युवा क्यों परेशान है, बहुत सारे मुद्दे हैं, आगे बताएंगे। बाकी रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक दुश्मन देश है और उसने जो किया ना वो उसका धर्म है, हमें मौका मिलेगा हम भी करेंगे, लेकिन हम उनका क्या करें। जैसे मेरे भाई अरविंद जी ने ऑलरेडी बताया कि जो मूवमेंट होनी थी ना वो 3 दिन बाद हुई थी, 3 दिन से मूवमेंट नहीं थी उस एरिया में। जब 3 दिन से मूवमेंट नहीं थी और अचानक मूवमेंट हुई और पलटन जिसमें 1000 जवान जाते उसमें 2500 थे, इतना बड़ा आरडीएक्स उसके बीच में कैसे आ गया। जब हमारा एक नेता जाता ना 7-10 गाड़ियों लेके, कुत्ता बीच में नहीं आ सकता, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है रोड पे। गुस्से को मैं समझ पा रही हूँ, तमाम बातें आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ इस वक्त हैं जो आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ काम की बात यहाँ पे होने चाहिए। कुछ युवा साथी जिनके सवाल मैं चाहूंगी कि आप उनके जवाब दीजिए। किससे सवाल पूछना चाहते हैं? मैं सवाल नहीं, पाकिस्तान को एक जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए। मैंने एक पंक्तियां लिखी थी कि हम बुद्ध बने बैठे हैं और तुम युद्ध लड़ाने आए हो। भारत शांत देश है, भारत शांत बैठा हुआ है और वो युद्ध लड़ाने आ रहे हैं। तो मैंने पंक्ति लिखी कि हम बुद्ध बने बैठे हैं और तुम युद्ध लड़ाने आए हो, परमाणु की शक्ति से हमें डराने आए हो, पृथ्वीराज के बाण महाराणा का भाला भूल गए, याद करो आजादी के खातिर कितने फांसी पर झूल गए। जिस देश में वीर भगत सिंह 23 पर फांसी चढ़ सकता है वहां सवा अरब की ताकत है, बच्चा बच्चा लड़ सकता है, वहां सवा अरब की ताकत है, बच्चा बच्चा लड़ सकता है। हम दूसरे देशों से क्यों डर रहे हैं? हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमें जवाब देने की जरूरत है। हम क्यों अमेरिका से पूछे कि हमें जवाब देना है कि नहीं देना? अमेरिका से रसिया से भारत का कोई बैर नहीं, अमेरिका से रसिया से भारत का कोई बैर नहीं, लेकिन अगर जो आंख दिखाई तो इनकी भी खैर नहीं, लेकिन अगर जो आंख दिखाई तो इनकी भी खैर नहीं। भारत संस्कृति का देश है, अहिंसा की पूजा करता है, भारत संस्कृति का देश है, अहिंसा की पूजा करता है, लेकिन अगर कोई भारत पर हिंसा दूजा करता है, सच कहता हूं महाकुंभ में, सच कहता हूं युद्ध भूमि में, या तो आहुति हमारी जाएगी या उसकी अर्थी उसके घर तक पहुंचाई जाएगी या उसकी अर्थी। तो ये जज्बात आप देखिए, ये हर किसी नागरिक के जहन में है, हर किसी व्यक्ति के जहन में है। और आज आप देख रहे हैं जो तमाम परिस्थितियां, आपको लग रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब सीरियस है, एकजुट है और वाकई वो मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है? देखिए प्रतिमा जी, जितने भी पॉलिटिकल पर्सन है ज्यादातर सभी कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन कड़ी कार्रवाई किसी ने नहीं की। मैं चाहता हूँ शहीदों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी जाके शहीदों के प्रति नहीं, शहीदों के कातिलों के प्रति। मैं मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से एक गुजारिश है, आज भावुक क्षण है, दुख की इस घड़ी में कम से कम राष्ट्र के इस विषय को लेकर एक मत हो जाइए और आप सब संकल्प लीजिए, क्या अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न अब ये तिरंगा कभी। वाकई तो हमने देश के तिरंगे को कभी झुकने देना नहीं, और इन्होंने जिस तरीके से जो बात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो आप सभी क्या इस बात की गारंटी लेते हैं कि अब देश को इस तरीके से कुछ झेलना नहीं पड़ेगा? क्या आप
देश के तमाम नागरिकों को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं? रेणु जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगे। देखिए, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आप सब गारंटी लेते हैं। गारंटी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको इस मौके पर और ऐसे विषय पर यदि हम सब एक मत हों तो गारंटी की आवश्यकता ही नहीं। और अगर हम, जैसे अरविंद ने कहा कि हमें अपने अंदर के जयचंदों को हटाना होगा, कश्मीर से पहले हमें अपने आसपास के जयचंदों को हटाना होगा। वो जयचंद अगर हमारे साथ शहीद भगत सिंह की बोली बोलने लगे, सुभाष चंद्र की बोली बोलने लगे, अगर वो सब मिलकर पटेल की बोली बोलने लगे, तो कश्मीर का तो नामो निशान जो छोड़ दिया गया था वो वापस खत्म हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि ऐसे विषय पर हम सब इस समय में एक होना बहुत जरूरी है। आपस में भाई बहन कितना भी घर में लड़ते हो, परंतु जब भाई को कोई बाहर आंख दिखाता है तो छोटी बहन भी, या छोटी बहन को कोई बुरी नजर से देखता है तो छोटा भाई भी उसकी तरफ उसकी आंख निकालने की बात करता है। यदि हमारे अंदर ये भावना एक बार जग जाएगी तो, मुझे याद है बचपन में हम कहीं बाहर भी जाया करते थे तो छोटा भाई हमसे 8 वर्ष भी छोटा होता था तो मम्मी कहती थी कि भाई को साथ ले जा। ये एक भावना होती थी उस समय आदर की। और मैं समझती हूँ मेरे छोटे भाई जो यहाँ एनसीसी के भी भाई बैठे हैं, जो जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रही हैं, मेरी बहुत छोटी छोटी बहनें यहाँ पर ड्यूटी दे रही हैं, ये सारी बहनें इसीलिए तो आगे आई हैं कि हम सबको इनको देखकर एक सबक लेना होगा कि जब ये एक हो सकते हैं, ना इसमें इनमें जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना कहाँ कौन से राष्ट्र की है, कौन से राज्य की है, जब ये लोग ये बात नहीं सोचते सरहद को बचाने के लिए, तो हम सब मंचवासियों को नहीं सोचना चाहिए और इस चीज को सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, पराग जी, प्रतिमा जी, एक साथ इस सोच के साथ क्या आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ने को तैयार हैं? बिना किसी शक के और बिना किसी क्वेश्चन, बिना किसी देरी के, देरी तो करी ही नहीं, खैर पहली फुर्सत में कह दिया, बयान दे दिया कि एक मत होकर यूनाइटेड है एयर फोर्सेस के साथ, आर्म्ड फोर्सेस के साथ और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। जो बनेगा वो करेंगे, सिर उखाड़ लाएंगे इन लोगों के, और देसी भाषा में कह दूं तो चाला पाड़ देंगे। जो गुस्सा देखा जा रहा है वाकई आप सभी के बीच में है और मैं चाहूंगी ये लौ हमेशा जलती रहे। बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।